नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ वन अकेडमी। कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ? लेट हो गए, प्रियंका यादव जी कह रही है। अच्छा, आप लेट हुए या मैं लेट हुआ हूं? मैं लेट हुआ हूं या आप लेट हुए हो, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कौन लेट हुआ है, कौन लेट हुआ है। ब्रजेश कुमार, अभी तो क्लास था यार 9 से 9:30, याद है आपको? अब वहां से आने में समय लगेगा ना, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ना फ्लाइट है, ना ट्रेन है, ना बसेज हैं, ना ऑटो है, ना मेट्रो है, तो समय तो लगेगा ना पैदल चलकर आने में। अब सोचो वाईफाई स्टडी से वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे आने में कम से कम 4-5 मिनट तो समय दो, ठीक है? चलिए, कौन जितने लोग जुड़ो, जरा सा एक काम करो, जरा कॉपी करके लिंक को शेयर कर दो अपने अपने ग्रुपों में, ताकि कई सारे ग्रुप्स तो जुड़े रहते हो। एपी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टा है, पता नहीं कौन कौन ग्राम, इंस्टाग्राम 50 ग्राम, 100 ग्राम, पता नहीं कौन कौन सा ग्राम रखते हो आप लोग। नहीं, चलिए तो आज फिर से मैं आपको बता दूं कि 3 बजे शाम को अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस हैं, जरूर जुड़िएगा, ताकि आपको पता चल सके कि सर डिफरेंट क्या है यहां से वहां, वहां क्या अंतर है यहां से, जो बच्चे रेगुलर करते हैं उनको पता है। हाँ भैया, स्टार्ट कर देना आर्यन जी, परेशान ना हो। लाइव टेस्ट देते हो? नहीं देते होंगे, पता है मुझे। नहीं देते तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? और डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनअकैडमी सीबीएसई क्लास के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए 9th और 12th तक कोर्स लेकर आया है, तो आप जरूर जाइए। यहाँ भी फ्री मिल जाता है यार, ये भी फ्री है, कम से कम ये तो देख लो कि वाकई में कुछ है या नया है या नहीं है। मात्र 99 रुपये तो है। एक बात करें, सबसे पहले जो भैया सबसे बड़ा मेला है यूपी की, कुंभ मेला कहाँ होगा? प्रयाग, या कहें प्रयागराज, या प्रयागराज या इलाहाबाद। सर बटेश्वर मेला, मैं आपको बता दूं, ये जितने सारे फेयर एंड फेस्टिवल हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगाते होंगे यूपीएसआई का, या यूपी लेखपाल का, या यूपी कांस्टेबल का, या वीडियो का, या SSSC जितना एग्जाम कंडक्ट करता है, या UPPSC लोअर या अपर सब यूनिट का, सर ये सब आर्ट एंड कल्चर में आता है, आर्ट एंड कल्चर में आता है। तो याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर हमेशा एग्जामिनर के लिए इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि जो एग्जामिनी होता है उन्हें पता है कि गलती करेंगे, उन्हें पता है कि वो गलती करेगा बच्चा, इसीलिए मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से, क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते ही नहीं है, ठीक है? बात समझ रहे हो? बटेश्वर मेला की बात करेंगे तो कहां होता है? आगरा। सर गढ़मुक्तेश्वर मेला की बात करेंगे, कहां होगा? हापुड़, जो दिल्ली से सटी हुई है। नौचंदी मेला मेरठ, देवा मेला बाराबंकी, ये पूछा था लोअर पीसीएस में, लोअर पीसीएस में जब 2017 में लोअर पीसीएस में देने गया था, जब लोअर पीसीएस मैंने दिया था ना 2017 में, तब पूछा था देवा शरीफ मेला या देवा मेला यूपी के किस जनपद में होता है? बाराबंकी में होता है, और मैं गलती करके चला आया ये, जबकि उस समय में लखनऊ में था, लखनऊ से बाराबंकी बिल्कुल सटा हुआ है। तो सर जानकारी के अभाव में गलती होता है, अब हम नहीं जानते हैं भैया बाराबंकी में मेला होता है तो क्या करें, गलती कर गए, इसीलिए कहते हैं यूपी पुलिस में मेला बहुत बार आता है, बिल्कुल, इसलिए तो कहते हैं कि बिल्कुल देखते चलो, बिल्कुल देखते चलो, ठीक है? अब बात करें सर जो कुंभ मेला की बात करेंगे, भारत में 4 जगहों पे कुंभ मेला आयोजित किया जाता है 12 वर्षों के दौरान, तो ये सर्किल चलता है, 4, 4, 8, 4, 12, मतलब ये सर्कुलेशन चलता रहता है, तो 12 वर्षों के दौरान 4 बार कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। 4 पवित्र नदियां, गंगा नदी हरिद्वार में गंगा नदी पर, उज्जैन में शिप्रा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी पर, और प्रयाग जिसे आधुनिक इलाहाबाद या प्रयागराज कहते हैं, गंगा यमुना, क्योंकि यमुना कहेंगे तो कहां ब्रह्मपुत्र चले जाएंगे, यमुना, गंगा यमुना, क्या कहेंगे बच्चों? गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर, सरस्वती के संगम पर, ठीक है? आगे देखिए, मकनपुर का मेला फर्रुखाबाद, गोला गोकरनाथ मेला
लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल में कौन, लखीमपुर खीरी। देवीपाटन मेला बलरामपुर, गंगा महोत्सव जहां पे गंगा आरती भी देखने को मिलता है, गंगा आरती भी देखने को मिलता है। चिंता मत करो, एमसीक्यू भी है, पहले आराम से पढ़ लो, पहले आराम से पढ़ लो, ठीक है। तो गंगा महोत्सव, गंगा आरती जो होता है कहां, वाराणसी। त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी क्यों सर, तीन नदियां जुड़ी है, गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती अलाहाबाद में, इलाहाबाद में, ठीक है। होलिकोत्सव की बात करें या होलिका की बात करें तो सर बरसाना की होली किसे याद नहीं है बताओ, बरसाना की होली किसे याद नहीं है भैया, बरसाना की होली बहुत मशहूर, यानी मथुरा, यानी मथुरा। अरे आर्यन जी देख लिया, अनअकैडमी पर बफरिंग होती है, अच्छा ये बताओ केवल आप ही का बफरिंग होता है या किसी और का होता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में, रामायण मेला चित्रकूट में, कैलाश मेला आगरा में और सोरोन मेला कासगंज में, सोरोन मेला कासगंज में। तो बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा तो रिवीजन कर लेना, रट्टा मार लेना, इससे एक क्वेश्चन आपके एक नंबर बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित रहेंगे, सेफ है सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर, कजली महोत्सव महोबा, खिचड़ी मेला देख रहे हो, खिचड़ी मेला गोरखपुर, राम बारात आगरा और रामनवमी मेला की बात करेंगे तो ये अयोध्या में आयोजित होता है, रामनवमी मेला अयोध्या में आयोजित होता है, जो इस बार लॉकडाउन के कारण मेला आयोजित नहीं किया गया, मेला आयोजित नहीं किया गया। लठमार होली, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लठमार होली सब याद है, बहुत बढ़िया। जोगिंदर गौर अपने मोबाइल का साउंड बढ़ाओ, मैं तो चिल्ला रहा हूं, अगल बगल वाले परेशान है भैया कितने तेज चिल्लाते हो, ठीक है। शाकुंभरी मेला सहारनपुर, शाकुंभरी मेला सहारनपुर, रथ मेला की बात करेंगे वृंदावन, रथ मेला कहां लगेगा, वृंदावन मथुरा में, रथ मेला मथुरा वृंदावन में आयोजित किया जाता है, ठीक है। दादरी मेला, प्रशांत जी इतने सारे ट्रिक पढ़ते हो आप मैथ में, कितने ट्रिक आपको याद है जरा बता दो, कितने ट्रिक आपके हाथ रखे हो आज तक, ट्रिक के चक्कर में ना पढ़ो ना तो पीछते चले जाओगे, रीजनिंग का अलग ट्रिक, मैथ का अलग ट्रिक, जीके का अलग ट्रिक, सर ये रिवीजन करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब सोचो ना सर, ये तो हमारा अपना राज्य है, अब मैं अपने राज्य के जनपद में कहां कौन सा मेला आयोजित होता है वो अगर याद ना रख पाए तो सोचने वाली बात है, तो दूसरे राज्य का कैसे याद रखेंगे फिर हम भाई। अपने आस पड़ोस के जो जनपद हैं, अपने आस पड़ोस के जो जनपद हैं, जिला हैं, वो तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बात समझ रहे हो, क्योंकि सर बिल्कुल समझना, ट्रिक नहीं बनता इसका, ट्रिक होता ही नहीं है भाई, एक चीज हमेशा समझना, लोगों के अपने दिमाग की उपज है कि मैं चीजों को कैसे याद रखूं, समझ गए बच्चे। चलिए जरा बताइए क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा एक खुशखबरी आपके लिए कि वाईफाई स्टडी पे मेन चैनल जो है वो 6:45 पे एक 5 मिनट का इवेंट है आपके लिए, तो जुड़ना जरूर ताकि मतलब देख सको यार क्या है एसएससी एग्जाम 2020 क्या रखा गया है, क्या कहा गया है, मात्र 5 से 10 मिनट की ये शो होंगी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर वन। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गुजरात इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है, जल्दी बिल्कुल। देखो ब्रजिंदर वर्मा है, आर्यन है, श्रेया है, पूनम है, सब कह रही है कि ट्रिक, भाई ट्रिक याद ही नहीं होता है मुझे पता है, याद नहीं रहता है। अभी तो मान लो ट्रिक
सिविल प्रियंका भी जुड़ गई है। अच्छा सिविल क्यों लगाया आपने सो बताओ प्रियंका जी, सिविल की हो क्या, सिविल इंजीनियर। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात करेंगे जनवरी के महीने में। सर मकर संक्रांति, मकर संक्रांति होता है ना भैया, मकर संक्रांति के समय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो कब होता है मकर संक्रांति, 14 जैन को। जलीकट्टू इज बुल टैमिंग इवेंट हेल्ड में, जलीकट्टू मुख्य रूप से आयोजित होने वाला बुल पालन समारोह कहां मनाया जाता है, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर टू, हाँ बिल्कुल आर्यन जी मैं तो आपके साथ ही हूं कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, समझ के पढ़ो, ट्रिक के साथ नहीं। पहले ये बताओ सिविल क्यों लगाए हो, तब मैं बताऊंगा मुझे कैसे याद होता है। जल्लीकट्टू की बात करेंगे, सर कहां मनाया जाता है ये जल्लीकट्टू, तमिलनाडु। बिल्कुल ये बुल फाइट की तरह है, बुल फाइट की तरह है जो स्पेन में होता है, याद करिए स्पेन में होता है ना, जो कहां होता है स्पेन में मनाया जाता है बुल फाइट, उसी प्रकार से जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई होती है कहां, तमिलनाडु में। कहां पे, तमिलनाडु में। विच सिटी इज फेमस फॉर बाली यात्रा फेस्टिवल, बाली यात्रा उत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर थ्री, तो सिविल से डिप्लोमा किया तो क्यों लगा दिया सिविल। जो सपना है उस सपने को संजो, चलो सही है। तो मैं भी बोलूं आज से सिविल प्रियंका या प्रियंका सिविल बोलूं। कटक बाली यात्रा उत्सव की बात करेंगे, कटक में मनाया जाता है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कटक किस नदी के किनारे है, कटक किस नदी के किनारे है, जल्दी कटक किस नदी के किनारे है, कटक किस नदी के किनारे है। भैया रांची नहीं होगा, रांची की बात करें ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। रायपुर यानी इसका नाम बदल गया, अब इसका नाम अटल नगर हो गया, अब इसका नाम अटल नगर कर दिया गया है। पटना की बात करेंगे, गंगा गंडक सोन के किनारे, बिहार की कैपिटल, इसका नामकरण शेरशाह ने किया था, नामकरण किसने किया, शेरशाह ने किया था। चापचर कूट किस राज्य का त्योहार है, चापचर कूट इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, महानदी, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही। यमुना कहां ले जाओगे, उड़ीसा, यमुना कहां ले जाओगे बच्चे। सर चापचर कूट किस राज्य का त्योहार है, तो ये मिजोरम का फेस्टिवल है, किसका है, मिजोरम का फेस्टिवल है, किसका फेस्टिवल है, मिजोरम का त्योहार है, याद रखना। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड एनुअली, मिजोरम, असम, सिक्किम, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर फाइव, जल्दी। अच्छा एक बात, एक काम करो, जरा सेशन को लाइक करते हो कि नहीं करते हो जरा बताना कमेंट बॉक्स में यार, कभी मैं पूछता भी नहीं हूं कि लाइक करते हो, शेयर करते हो, कुछ नहीं करते हो, कमेंट्स तो करते नहीं हो। एक बच्चा तो हद कर दिया कल कमेंट्स में, सर इतना एडवर्टीजमेंट, मैंने कहा एडवर्टीजमेंट नहीं है सर, इन्फॉर्मेशन है। आप गलत सोचते हो, एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जिनको जरूरत है, आप तो ब्रिलियंट थे ही। हॉर्नबिल महोत्सव की बात करेंगे तो ये नागालैंड में, कहां, नागालैंड में आयोजित किया जाता है, बिल्कुल समझना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत में मानसून त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पता, बहुत मजेदार सवाल है क्वेश्चन नंबर सिक्स, मजेदार सवाल है ये। अच्छा करते हैं, श्वेता कह रही है करते हैं, चलो शुक्रिया। आर्यन भी कहते हैं सर बिल्कुल करते हैं। देखो तीज
मानसून त्योहार तीज, अच्छा तीज कौन मनाता है जरा बताना कमेंट बॉक्स में, तीज मनाते हो? तीज कौन मनाता है? सर भारत में सुहागिन तीज मनाती है। सुहागिन समझते हो ना? अरे सब समझते हो, सब समझदार हैं। यानी कहा जाता है कि लाल लाल कपड़े पहने जाते हैं इसमें, चूड़ियां साड़ी, पूरा महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए तीज व्रत करती है, तीज का त्यौहार करती है, जो मानसून त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। सब बैसाखी कहोगे मुझे पता है, बसंत पंचमी कहोगे मुझे पता है। अच्छा ये बताओ, बसंत पंचमी फरवरी महीने में होती है, तो कौन सा मानसून त्यौहार है? मानसून भारत में जून में आता है, मानसून भारत में जून में आता है, 5 जून को आता है। संक्रांति की बात करेंगे जनवरी में होता है, बैसाखी की बात करेंगे तो ये अप्रैल के महीने में होता है। बिल्कुल संजय सैनी, बिल्कुल मैं जब भी आगरा आऊंगा आपको याद करूंगा पक्का। विवाहित महिलाएं, बिल्कुल समझ में आ गया कि तीज के अच्छा झूला झूलते हैं बहुत, राहुल जी को पूरा खबर है यार। लोसोंग त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी अरे नहीं करवा और चौथ का व्रत ही तीज नहीं है। संजय सैनी मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? तो मैं जब भी आऊंगा बिल्कुल आपको याद करूंगा। वरिंदर मेरी चिंता ना करो, नौकरी ले लो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। हाँ बिल्कुल, पापा की परी शिवली आप भी मना सकती हो तीज, लेकिन अगर आपका ब्याह हुआ होगा तब तो, अगर आपका ब्याह नहीं हुआ होगा तो कैसे मनाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका उसके के चक्कर में मनाने के चक्कर में हो। लोसोंग त्यौहार किस राज्य में? सिक्किम में। लोसोंग त्यौहार सिक्किम में मनाते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, अटला ताड़ी किस राज्य का त्यौहार है? और ये सवाल यूपी लोअर सबोर्डिनेट का, यूपी लोअर सबोर्डिनेट का सवाल है ये। अतला ताड़ी किस राज्य का त्यौहार है? और उसमें ऑप्शन उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, उसमें ऑप्शन उत्तर प्रदेश भी है, याद रखना। तो अतला ताड़ी आंध्र प्रदेश का है, अब उसमें ऑप्शन उत्तर प्रदेश है। बच्चे उत्तर प्रदेश लगा कर आए, जो बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो याद रखना कि यूपी का त्यौहार ही नहीं, भारत का भी त्यौहार, भारत का भी फेस्टिवल हो सकता है आपको जोड़कर पूछ दे एग्जाम में, तो आपको दोनों चीजें लेकर चलना पड़ेगा। सरहुल इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, बच्चे ये जो सवाल है ना ये यूपी में जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए तो कहते हैं कि जुड़िए हमारे साथ। यूपी के अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही सवाल का कलेक्शन है ये, वही सवाल का ये कलेक्शन है। ठीक है, तो सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये झारखंड का त्यौहार है, सरहुल झारखंड का फेस्टिवल है। बिल्कुल ब्रजेंद्र वर्मा, बिल्कुल जहां मैं जब भी निकलूंगा दिल्ली से यूट्यूब में बोल दूंगा कि मैं आज अयोध्या आ रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, कम से कम वहां के बच्चे तो कम से कम दिखे मुझे। राजहंस महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल, जिसको हिंदी में कभी कभी फ्लेमिंगो फेस्टिवल देगा, फ्लेमिंगो महोत्सव, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तेलंगाना, कर्नाटक, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, जल्दी। ये पूरा बहुत बढ़िया, देखो ट्रिक बन गया बच्चे, बना दिया बच्चे ने। तो फ्लेमिंगो महोत्सव की बात करेंगे, राजहंस महोत्सव की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश है। कहां का है ये? आंध्र प्रदेश है। प्रियंका जी मेरा फॉर्मूला देखो क्या है, आर से रेगुलर, फिर रीड करिए, रिवीजन करिए, तब जाकर रिजल्ट होगा।
किसने कहा? तो सर ये रोहित सर कहते हैं। यानी मेरा फॉर्मूला है 4R, आप इसे 5R मानिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है। क्या कहा सुनिएगा, रेगुलर रहिए, रीड करिए, रिवीजन करिए, तब जाकर रिजल्ट होगा। किसने कहा? रोहित सर ने कहा। बात समझ रहे हो कि बस रीड, रेगुलर रीड, रिवीजन, ये तीन मंत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड, रेगुलर रीड और रिवीजन, ठीक है? बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर समझ में आ गया तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो अनअकैडमी पे बाबा 10 कोड यूज करके। और ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को आप जरूर सर्च करिएगा अनअकैडमी पे। 3 से 4 आज स्टैटिक जी के धमाकेदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। वहां जाना अनअकैडमी पे, सर्च करना SSC, देखना रोहित